सो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि जब आप फर्स्ट सेमेस्टर यानी सेकंड सेमेस्टर में जब आप फेल करते हो तो फिर क्या होता है? मान लीजिए गाइस कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एग्जामिनेशंस दिया, आप पास हो गए, सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस दिया, आप फेल कर गए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होगा कि क्या इसका मतलब होगा कि हम फर्स्ट सेमेस्टर में भी फेल हो जाएंगे, मतलब मुझे फर्स्ट ईयर फिर से देना पड़ेगा। तो जैसा कि हम लोग को पता है गाइस कि जब आप फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर जब आप कम्प्लीट करते हो तब आपकी फर्स्ट ईयर कंप्लीट होती है। तो मान लीजिए आपने फर्स्ट सेमेस्टर तो पास आउट कर ली और सेकंड सेमेस्टर आपकी सब्जेक्ट बैक हो गई तो क्या होगा? तो गाइस आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ सेकंड सेमेस्टर का ही एग्जामिनेशंस देने होते हैं। यानी जो सेमेस्टर में आप बैक किए हैं सिर्फ वही सेमेस्टर का आप एग्ज़ाम देंगे। जैसे ही आपकी सेकेंड सेमेस्टर आपकी पास हो जाती है यानी आपका फर्स्ट ईयर कम्प्लीट हो जाता है। उम्मीद करते वीडियो अच्छी लगी हो तो समझ में आया हो और शेयर ज़रूर कीजिए।